अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग द्वारा लोक कथाओं का 3 दिवसीय सम्मेलन प्रारंभ हुआ। पंजाबी भाषा विज्ञान संघ पटियाला केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एनईपी 2020 के संदर्भ में बहुभाषी भारत में संस्कृतियों के बीच अनुवाद विषय पर 3 दिवसीय 10वें सम्मेलन का उद्घाटन एएमयू की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून ने किया। उन्होंने कहा कि अनुवाद को केवल एक प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि बहुभाषी समाज में समावेशता और समानता को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुत सारी किताबें हमारे हर लैंग्वेज में नहीं है अवेलेबल, तो वो जिस लैंग्वेज में किताबें हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है लिंगुआ फ्रैंका है, उसमें हर किताब अवेलेबल है। उसकी ट्रांसलेशन अगर हमारे सारे मदर टंग्स में हो जाए, हमारे कंट्री तो मल्टी लिंगुअल कंट्री है, उसका ट्रांसलेशन हर मदर टंग में अगर हो जाए, इसकी अहमियत हो, तो फिर वो जो है उसका जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट बचपन से लेके बड़े होने तक हो, उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा सीखना अच्छा होगा। जो सभी क्षेत्रीय भाषाएं हैं नजदीक आ जाए, एक दूसरे से ट्रांसलेशन में इंटरप्रेट करने लग जाए, समझने लग जाए, सो ये बहुत ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो लैंग्वेज ने बहुत क्लोज रहेंगे, तो स्क्रिप्ट तो पहले निर्णय आ चुके हैं, तो 12 स्क्रिप्ट हैं अपने इंडिया की, वो ग्रिड हो चुकी हैं स्कूलों के अंदर जब हाँ स्कूलों के अंदर भी, कॉलेजों के अंदर भी, यूनिवर्सिटी को। अब 12 जो लैंग्वेज हैं स्क्रिप्ट हैं इंडिया की, वो एट द क्लिक ऑफ वन क्लिक वो ट्रांसलेट हो जाया करेंगी, ट्रांसलेटरेट भी हो जाएंगी। सो एक स्क्रिप्ट है जो हमारी शाहमुखी है उर्दू की, ये कंपेटेबल नहीं हुई, ये एरर दे रही है। बाकी सभी हैं, बंगाली है, मराठी है, सभी साउथ की लैंग्वेज हैं, 12 स्क्रिप्ट हैं, वो ग्रेड हो चुकी हैं।